जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको निरोगी काया दे। जब भी किसी मनुष्य के यहां पर हवन किया जाता है, पूजन किया जाता है, जप तप किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, तो मनुष्य ये सोचता है कि अब उसके यहां पर दिन अच्छे आ जाएंगे, उसके कुछ कष्ट कम होंगे, कुछ परेशानी कम होगी। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बात को अच्छे से समझ लो कि कोई जरूरी नहीं है कि एक बार की पूजा कराने से, एक बार के अनुष्ठान कराने से, एक बार की भागवत जी कराने से, या एक बार के देवी भागवत महापुराण कराने से, या एक बार महामृत्युंजय के जप कराने से, या एक बार दुर्गा सप्तशती का हवन कराने से, या एक बार श्री रुद्र अभिषेक कराने से आपके कष्ट कम हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि एक बार में शांत हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल पूजा पाठ मत कराइए, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपने जाने अनजाने में कितने पाप कर्म किए होंगे, जिसकी आपको गणना भी नहीं मालूम है। और आप सोचते हैं भगवान को थोड़ी सी रिश्वत देकर के वो आपको छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि कई बार जब अक्षम्य पाप होते हैं, और अक्षम्य पाप यानी ऐसे जो क्षमा योग्य नहीं होते हैं, उन्हें अक्षम्य पाप कहते हैं। और जब मनुष्य अक्षम्य पाप का फल भोगने का समय आता है, तो उसे वो कष्ट तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी क्षमा नहीं होती है। एक जमाने में कोई व्यक्ति अपनी दादागिरी के बल पर, अपने पावर के बल पर, अपने शक्ति के बल पर कई लोगों को तड़पाता है, कई लोगों से जबरदस्ती पैसे ऐंठता है, कई लोगों के मकान को इधर से उधर कर देता है, कई लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है, तो ऐसे में उन परिवार वालों के बच्चों के से, उनकी पत्नियों से, उनके बेटियों से, उनके माता पिता से जो हाय और बद्दुआ मिलती है, वो एक नहीं कई मनुष्यों की बद्दुआ उसके साथ शामिल होती है। ऐसे मनुष्य को एक बार, दो बार या पांच बार की पूजा से माफी नहीं मिलती है। ऐसे ही यदि आपके यहां पे अकाल मौत है, तो आप सोचो कि एक बार की पूजा से अकाल मौत वाला मनुष्य, एक बार के पिंडदान तर्पण करने से, एक बार की नारायण बलि करने से, वह अकाल मौत वाला व्यक्ति जो है मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल दिमाग से भ्रम निकाल दो कि एक बार की पूजा से आपका काम बन जाएगा। आप 2-3 हजार रुपये, 5 हजार रुपये खर्च करके आप सोचते हो कि आप जो उस प्रेतात्मा से मुक्त हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब अकाल मौत होती है, तो वो तड़प तड़प करके मरता है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उसने मकान का भोग नहीं किया हुआ होता है, उसने स्त्री का भोग नहीं किया हुआ होता है, स्त्री मर जाती तो उसने सहवास संभोग नहीं किया हुआ होता है, उसने तरह तरह के पकवान नहीं खाए हुए होते हैं, तो वह ऐसे समय पे जब मृत्यु को हो जाती है, तो ऐसी अतृप्त आत्मा जो जवानी में मौत हो जाती है, वह किसी न किसी शरीर को पकड़ती है, और ऐसे शरीर को पकड़ती है जो पूजा पाठ नहीं करता है, ऐसे शरीर को पकड़ती है जो स्नान ध्यान नहीं करता है, वो ऐसी आत्मा को पकड़ती है जिस घर के अंदर पूजा पाठ धूप वगैरह नहीं जलाई जाती हो,
वह ऐसे व्यक्ति को पकड़ती है जो शराब पीता हो, मांस खाता हो, अंडे खाता हो और पराई स्त्री का भोग करता हो, और ऐसे घर में जाती है जहां पर गंदगी का साम्राज्य रहता हो, जहां पे अटाला ज्यादा पड़ा रहता हो, टूटे फूटे वाली चीजें ज्यादा पड़ी रहती हो, मतलब ये कह लीजिए चाहे वो सरकारी ऑफिस हो या घर का, घर में हो या फिर स्टोर रूम हो या किसी फैक्ट्री का कबाड़ खाना भी हो सकता है, ऐसी जगह यह आत्मा अपना घर ढूंढ करके गुपचुप तरीके से निवास करती है। और वहां पर जब कोई व्यक्ति ऐसा उनको लगता है कि उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है तो उसके शरीर में घुस करके फिर वो आसानी से अपने अनुसार उस मनुष्य को ढाल लेती है और फिर अपने स्वाद के अनुसार, यदि उसको दही दूध ज्यादा पसंद होते तो वो दही दूध खाने लगता है, यानी कि ऑटोमेटिक उसका खाने पीने का टेस्ट चेंज हो जाता है। कम मिर्ची लगती है तो वो कम मिर्ची खाने लगता है, यदि ज्यादा मिर्ची लगती है तो ज्यादा मिर्ची खाने लगता है। यदि उसको ये दूसरी चीजें नॉनवेज पसंद नहीं थी पहले, परंतु चिपकने के बाद यदि उस आत्मा को नॉनवेज लगता है तो वह नॉनवेज ज्यादा खाने लग जाता है, यानी उसकी रहन सहन खान पान ये सब परिवर्तन हो जाता है। तो यदि आपके सामने आपके परिवार का कोई सदस्य इस प्रकार की खान पान में परिवर्तन हो गया हो, उसके रहन सहन में परिवर्तन हो गया हो, तो आप ये मान करके चलें उसके ऊपर कोई न कोई प्रेत बाधा लग गई है। और जब इस प्रकार की प्रेत बाधा लग जाती है, यानी कि जैसे एक लड़की है, मान लो एक लड़की का एक विवाह हो गया और टूट गया, फिर उसका दूसरा विवाह हुआ वह भी टूट गया, तीसरा विवाह करने के लिए जा रहे हैं परंतु वो भी विवाह नहीं हो पाता है, तो आप मान करके चलो उस लड़की के साथ में कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा चिपकी हुई है, उसका इलाज करवाइए ताकि उसका विवाह अच्छी जगह हो सके और वो कहीं न कहीं बैठ सके। और जब ऐसा होता है तो ऐसी लड़की जिसका एक बार विवाह टूट जाता है, दूसरे के यहां बिठा दिया जाता, वो भी छोड़ करके आ जाती हो, तो ऐसी लड़की के साथ में कोई न कोई अदृश्य आत्मा अवश्य चिपक जाती है और फिर वह उसे अपने तरीके से रहने के लिए मजबूर करती है। यानी वो अदृश्य आत्मा जो अतृप्त रही है, वह अदृश्य आत्मा अपने अनुसार उसको बाल रखने के लिए तैयार करती है, अपने अनुसार उसके कान में कुंडल पहनती है, अपने अनुसार नाक के अंदर जो भी उसको श्रृंगार करना रहता है वो श्रृंगार करती है, और उस प्रेत आत्मा को जो कलर पसंद होता है वो कलर के कपड़े ज्यादा पहनने लगती है और उस तरीके के वो हाव भाव करने लगती है, यानी कि वो प्रेत आत्मा जैसी चाहती वैसा वो स्त्री रहने लग जाती है। यदि ऐसा आपके परिवार में या आस पड़ोस में आपने देखा हो कि उसके जीवन व्यापन में ड्रास्टिक चेंज आया हो, परिवर्तन बहुत आया हो, तो आप तुरंत उसका आध्यात्मिक इलाज कराइए, क्योंकि आध्यात्मिक इलाज ही उसका एकमात्र कारण है। यदि आप ऐसी प्रेत आत्माएं जो किसी पुरुष या स्त्री के ऊपर चिपक जाती है तो उनके एटीट्यूड में चेंज होने की वजह से वह प्रेतात्मा तृप्त होती है, और जब प्रेतात्मा तृप्त होती है तो यह मान करके चलें कि वह धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांग बनाती है, और जब स्ट्रांग हो जाती है ऐसी प्रेतात्माएं तो आप ये मान करके चलें निश्चित तौर से उनके जीवन में उनको अब कुंवारा ही रहना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रेत आत्माएं लगने के बाद में और अतृप्त प्रेत आत्माएं लगने के बाद में ऐसे स्त्री या पुरुष का विवाह नहीं होता है, विवाह के लिए उनसे बात करते हैं तो मना करते हैं कि नहीं मुझे विवाह नहीं करना है, विवाह से चिर छूटने लगती है। ऐसा भी यदि होने लग जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई न कोई ऊपरी बाधा लगी हुई है। तो आप यदि अपने घर में कोई भी पूजा पाठ कराते हैं तो कोई जरूरी नहीं है
कि वह पूजा पाठ एक बार की पूजा में आपको सफलता हासिल हो ही जाएगी। मेरा कहने का मतलब यहां पर यह कि कभी कभी कुछ शक्तियां धीरे धीरे इस मनुष्य के शरीर में अपना घर बना लेती है, तो अपना घर बना लेती है तो फिर उनको निकालने में 2-3 पूजा पाठ रेगुलरली करना पड़ती है, तब जाकर के वो इस शरीर को छोड़ती है। परंतु फिर आपके पास समय भी होना चाहिए और पूजा पाठ कराने के लिए धन की व्यवस्था भी होना चाहिए, तो ये कार्य संपन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप पहले अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा लें कि जिस समय आपको कष्ट की प्राप्ति होती है उस समय पे कोई ऐसा खराब ग्रह नक्षत्र का प्रभाव तो नहीं है, यानी कि कोई अष्टम भाव का, कोई छठे भाव का, कोई 12वें भाव का ग्रह का प्रभाव तो नहीं हो रहा है, या कोई चीज नीच ग्रह का प्रभाव तो नहीं हो रहा है, मृत्यु तुल्य मार्केश योग का प्रभाव तो नहीं हो रहा है, शनि की 7.5 का प्रभाव तो नहीं हो रहा है। इस बात को अवश्य चेक करा लें और फिर नव ग्रह शांति अवश्य करवा लें। यह प्रायश्चित पूजा होती है। और यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि पिछले जन्म के कौन से पाप कर्म की वजह से इस जन्म में आपको कष्ट मिलने वाला है, तो उसका प्रायश्चित कर्म पहले से करके रखें, तो आपकी फिर पूजा करने पर आपको सुख शांति अवश्य प्राप्त होती है। परंतु यदि आप आज पूजा कराएं और आप सोचें कि कल से आपका धंधा पानी चलने लग जाए, आज पूजा कराएं और आप सोचो कि कल से आपके यहां तो धन की वर्षा होने लग जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य के ग्रह नक्षत्र भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आपके साथ साथ यदि आप स्त्री हैं तो आपके पुरुष पति के ग्रह नक्षत्र भी उसमें देखे जाते हैं, और यदि आप पुरुष हैं तो आपकी साथ में उन पैसों का भोग करने वाली जो स्त्री है, जो धन पत्नी है, उसके ग्रह नक्षत्र भी देखे जाते हैं, और यदि आपके बच्चे पैदा हो गए हैं तो बच्चे के ग्रह नक्षत्र भी देखे जाते हैं। तो एक घर के अंदर, एक छत के नीचे रहने वाले जितने मनुष्य होते हैं, उन सबकी जन्म पत्रिका और ग्रह नक्षत्र से आपका सुखी जीवन हो सकता है और उनके ग्रह नक्षत्र के अनुसार आपका दुखी जीवन हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये चेक करवा लें, अपनी, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की जन्म पत्रिका चेक करा लें कि किसके ग्रह नक्षत्र अभी वर्तमान में खराब चल रहे हैं, उन खराब ग्रह नक्षत्रों की शांति करवा लें, उनकी पूजा पाठ करा लें। यदि दान दे सकते हो तो दान दे दीजिए, अन्यथा हवन करके उनका शांत करके रखिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मैं पुनः एक बार और आपसे प्रार्थना करूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप यदि कष्ट में हैं तो एक बार की पूजा से आपके कष्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, यह कोई कंपलसरी नहीं है। पूजा एक से अधिक बार भी कराना पड़ सकती है। कभी कभी आपके पाप कर्म ज्यादा तीव्रतम पाप कर्म यदि है तो उन तीव्रतम पाप कर्मों को 2-3 पूजा से शांत किया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए कभी भी जिससे पूजा पाठ कराई हो, जिस पंडित जी से पूजा पाठ कराई हो, जिस गुरु महाराज के निर्देशन में पूजा पाठ कराई हो, जिस शास्त्री जी के निर्देशन में पूजा पाठ कराई हो, कभी भी उनके ऊपर उंगली मत उठाओ। आपको अपने गिरेबान में झांक करके देखना है कि वास्तव में आपने कितने पाप कर्म किए। यदि पाप कर्म किए हैं और आपको ज्ञान नहीं है तो ईश्वर से बारंबार माफी मांगे कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे नहीं मालूम कि मैंने कोई पाप कर्म किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। यदि ऐसा है तो मान करके चलें कि आपका पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।